नंदिनी और विक्रम तपन का पीछा कर रहे थे और ये इसका नोट छापने का अड्डा है। अंदर कुछ लोग हैं और इनके थ्रू हम उनके बॉस तक पहुंच सकते हैं। तुम दोनों? ये दोनों मेरे ही ऑफिसर्स हैं। चलिए बता कि तू उस धंधे में आया कैसे? मुझे माधुरी जी ने बोला था। मिला है कभी? एक दो बार मिला। देखो बना दिया ना पूरा फेस। क्रिमिनल डेटा चेक करो, पता करो कहीं मैडम प्रोफेशनल क्रिमिनल तो। अरे रात रात भर लगता है, जाग जाग के फेसेस बनाता है, इनको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर सुबेरी क्या करता है पता नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो। अरे हम उसको रिटायर करके देखो। क्या बात है डॉक्टर सुबेरी, बहुत चहक रहे हैं आप। चहक नहीं रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अरे इतना डिफॉर्म बॉडी का फेस बनाना मजाक समझा क्या तुम लोग? खैर तुमको क्या समझ में आ गया, लेकिन एक बात पक्का है, हमारे बिना तुम्हारा टीम दो कदम नहीं चल सकता, दो कदम। ओ इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना अच्छा नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट है। हमारे बिना तुम लोग जीरो है, ओंडा है ना पूजा टीम। सर कहां फालतू की बहस में टाइम वेस्ट कर रहे, वैसे भी आप बहुत बिजी आदमी है, चलिए ना सर। एकदम ठीक बोला तुम, ये पूरा टीम में तुम ही है जिसको समय का वैल्यू है। चलो दिखाता है तुमको कॉन्फिडेंस। बोलो कौन है? ये तो माधुरी है। इसका मतलब जाली नोटों की रानी मर चुकी है। मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि तपन हमको गुमराह कर रहा हो ये लड़की को मारकर, इसकी नकली तस्वीर बनवाकर असली मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहा है? तुम ठीक कह रही हो नंदिनी। hey! hey, सुना कि तपन अपने आप को समझता क्या है, हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, आज मैं इसे बताती हूँ। हाँ मैम कितना चालाक है, कैसे हमको बेवकूफ बनाकर माधुरी का स्केच बनवा दिया। वही तो, आज इसका भरता मैं बनाती हूँ। वैसे थैंक्स टू डॉक्टर सुबेरी मैम कि उन्होंने हमारी हेल्प की और सबकी रियलिटी सामने आई। ओह नो क्या हुआ मैम, हम डॉक्टर सुबेरी को थैंक यू ही कहना भूल गए। तो आपको पता है ना मैम, उनको थैंक यू नहीं बोले तो बहुत गुस्सा आता है। आप गुस्से में निकल गई और हम थैंक यू कहना भूल गए, अब वो बुरा मान जाएंगे। नंदिनी वो अपना काम कर रहे थे, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हर चीज याद नहीं रहती। मैम आप डॉक्टर सुबेरी को जानती हो ना, उन्हें सब याद रहता है। नंदिनी हमारा काम ही ऐसा है, सबको ग्रीट करना मुश्किल है, आप क्या क्या याद रखेंगे, सबको थैंक यू बोलना या मुजरिम को पकड़ना? वो तो है मैम, लेकिन आपको डॉक्टर सुबेरी का नेचर पता ही है ना। उन्हें तो मैं बाद में संभालूंगी, पहले इस तपन को देखती हूँ। तो मुझे बेवकूफ बनाएगा? बता ये स्केच किसका है? मैंने पूछा ये स्केच किसका है? माधुरी देख सच बता, क्योंकि जो लाश हमको मिली उसकी और माधुरी की शक्ल एक जैसे कैसे हो सकती है? मैडम कुछ गलतफहमी हुई है मैडम, माधुरी जिंदा है और जिसका स्केच बनवाया वो वही है। तू वैसे नहीं बता। क्या हुआ बेटा? अरे ये बेवकूफ बना रहे हमको। मैंने इसे कहा था माधुरी का स्केच बनवाने का, और पता है इसने क्या किया? उसने उस मरी हुई लड़की का स्केच बनवाया जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैडम आप इससे पूछ लो ना, बोलना बंद। बता ये किसका स्केच है? काम ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? ये काम ही नहीं है और ये अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है, तीन औरतों की शक्ल एक जैसे कैसे हो सकती है? काम ही नहीं, माधुरी वो लाश और। लेकिन जो अंगूठी हमें मिली थी ना वो मुझे इसके घर तक ले गई। रिंग
ये रिंग कहाँ मिली आपको? हमें एक लड़की की लाश मिली है और ये रिंग उस लड़की के हाथ में मिली है। ओह सॉरी, एक्चुअली ये रिंग मैंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी, मेरी वाइफ कामिनी। अब एक मिनट रुकिए, मैं कामिनी को बुलाता हूँ, वो इसे देख के ना बहुत खुश होगी। कामिनी, अरे देखो इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर देवू। और ये देखो रिंग तुम ढूंढ रही थी ना, सर को मिल गई। देखो वही जो मार्केट में गिर गई थी। खैर मिस्टर तरुण, ये रिंग तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, बट आप अपनी वाइफ को ये पहना कर उनका मन जरूर रख सकते हैं। हाँ श्योर, क्यों नहीं, दिखाओ मैं पहना देता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैंने उसकी फोटो ले ली। इस कामिनी के दर्शन तो मैं भी करना चाहूंगी। आज इस कामिनी को नहीं छोड़ूंगी मैं, वो हमारे हाथ से बच के नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बड़ी गेम खेली है उसने, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं उसके घर पे गया था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया। आज उसे बताते हैं कि पुलिस से भागना इतना आसान नहीं है, बहुत चालाक समझती वो अपने आप को। चलो आज हम उसे अपनी चालाकी दिखाते हैं। मैम मैंने उसका फोन ट्राई किया था, नॉट रीचेबल आ रहा था, कहीं वो भाग तो नहीं गई होगी? नहीं नंदिनी, मुझे नहीं लगता वो भागी होगी, क्योंकि इसे शक ही नहीं है कि हमें उस पर शक है। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है। डायलॉग छोड़ो और ये सोचो, ये तरुण इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो कामिनी के साथ रहते उसकी जान खतरे में हो सकती है। हाँ, हो सकता है। चलो जल्दी। कामिनी, कामिनी दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर ही हो। कामिनी दरवाजा खोलो, तुम्हारा खेल खत्म। विक्रम देवू, दरवाजा तोड़ दो। मैम लगता है वो लोग भाग गए। ये आवाज कहां से आ रही है? शायद उस तरफ से। विक्रम, तरुण, इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे बेबी कामनी नहीं हो सकती, वो मेरे बेबी कामनी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत खतरनाक औरत है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैंने उसे फोन पे बात करते हुए देखा था। कैसे पुलिस वाले ले गए? हाँ, अब तुम खड़े खड़े वहां क्या कर रहे थे?
इस तपन के ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आ रही हूँ अड्डे पर, और हाँ जितना जल्दी हो सके ना वहाँ से सारा तामझाम हटा दो। अगर वो जगह पुलिस के हाथ से लग गई हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कामनी, कामनी ये फोन पे तुम किससे बात कर रही थी? ये अड्डा, ये पुलिस, ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं। अरे वो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, मुझे जानना है क्या चल क्या रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले जैसी नहीं रही। बात क्या बताओ मुझे। कुछ नहीं, मुझे जाने दो। बैठो, मुझे सच जानना है। बात क्या है कामनी, चुप क्यों हो? मैं जानना चाहता हूँ हर बात। तरुण मुझे जाने दो। कामनी बिना सच सुने मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बताओ चल क्या रहा है? और मैडम जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ बंधा पड़ा हुआ मिला। मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि वो बहुत खतरनाक औरत है, प्लीज कुछ कीजिए। वो नहीं तो तुम उसकी चिंता मत करो, उसे तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये कामिनी की कोई जुड़वा बहन थी क्या? जुड़वा नहीं सर, उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। नंदनी तपन को फोन लगा और पूछो कि कामिनी का अड्डा कहाँ है। ओके मैम। हाँ तपन। ये हाथ का बैंड कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन कहाँ? मैम उसके अड्डे का पता चल गया। गुड, लेट्स गो। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? देखो मैं सोच रही थी कामिनी तो गलत है, पर क्या तरुण वाकई में सच बोल रहा है? उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं। वीरता तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। जिस दिन मैं तरुण को उसके घर मिलने गया तो उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, बट ये कामिनी के तेवर कुछ अलग थे, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। इसकी कोई वजह? वजह सिंपल है, जैसे हम एक आम आदमी के पास पूछताछ के लिए जाते हैं और उसका बिहेवियर जैसे नॉर्मल होता है, ठीक उसी तरह इस तरुण का भी बिहेवियर नॉर्मल था, पर ये कामिनी उसके तेवर कुछ अलग से लग रहे थे, तभी मुझे उस पर शक हुआ। टेबू, हो सकता है मेरा शक गलत, लेकिन क्या करें, शक करना हमारा काम है, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी कामिनी बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है, उसका गेम प्लान बहुत हाई लेवल का है, बहुत चालाक है, हम उसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। सही कह रही हो वीरता तुम, बहुत ही चालाकी से कामिनी ने इस कांड को अंजाम दिया है। बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर अपना मास्टर प्लान वो खुद ही हमारे सामने उगल देगी। अरे बाबू इसकी कॉल आ गई, अभी अगर नहीं उठाया तो फिर दोबारा कॉल करेगी, फिर नाराज़ हो जाएगी, फिर इसे मुझे मनाना पड़ेगा। 5 मिनट की बात है, उठा लो। हेलो हेलो बेबी, मुझे मेरी रिंग की फोटो भेजो ना, मुझसे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा। अरे वो अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पर है। मैं काम करता हूँ यहाँ से, जाता हूँ ना तो तुम फोटो भेजता हूँ तुरंत। कितने अच्छे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी। हाँ बाबू तुम्हारे लिए तो क्या मेरे लिए, और वैसे भी वो तुम्हें मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। सही कहा, तुम्हारे ही हाथों से पहनूंगी, और क्या मेरे राजा। अच्छा सुनो, मैं अभी एक जरूरी काम है, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक? देवू लगता है बाहर कोई बात कर रहा है, देखना जरा उन्हें अंदर बुलाना। ओके बेबी, बाय बाय। अबे गूगली तू क्या कर रहा? कुछ नहीं, कम से कम यहाँ पर तो फोन पे बात करना छोड़ दे। इसका फोन था, जरूरी एक कॉल थी। हाँ तेरे जरूरी कॉल, गर्लफ्रेंड कहीं होंगे, कम से कम सीनियर्स की तो इज्जत करना सीख। चल अंदर चल। वीरता ये था बाहर। आइए आइए गुगली जी। मैडम आपने यहाँ आने की जहमत कैसे की? अरे मैडम ऐसी न्यूज लाया हूँ कि सुनोगी तो आप खुश हो जाओगी, हो सकता है कि आप मुझे अपनी टीम में भर्ती भी कर लो। हो सकता है, बोलो
मैडम ध्यान से सुनिएगा, कामिनी। कामिनी क्या? मैडम माधुरी। कुगली आगे बोलो। दोनों के दोनों। दोनों के दोनों क्या? दोनों के दोनों सेम टू सेम एक है हम शकल। तो ये खबर है? बिल्कुल यही लाया था मैडम। अरे खुश हो गया ना आप देखा? मैं इतनी खुश हूँ कि मन कर रहा है कि तुम्हें थप्पड़ मार दूँ। ये खबर लेकर आए? हाँ, ये हमें बहुत पहले से पता था। तो हमको बेवकूफ समझता है क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं मिलती क्या आजकल टाइम पास करने के लिए कि हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है? हाँ? सब गुमी, अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा और अपनी शक्ल तब तक मत दिखाना जब तक तुम्हारे पास कोई पक्की खबर ना। समझा? जी मैडम। चल निकल। तुम्ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। वीरता सर आप यहाँ कुछ काम था? मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझसे ये सवाल क्यों किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इंटरोगेशन रूम में हूँ। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना सर बैठिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी सर। टेबू। क्या हुआ सर? वो ऐसा है कि प्रीति से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सब ठीक तो है ना? उसने मुझे कॉल किया था जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली थी मुझे, लेकिन मैंने वेट किया और कॉल तो आया नहीं। मैं कॉल कर रहा हूं तो उसका नंबर नहीं लग रहा है। ओ सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो जो उस मिशन में है ना वो बहुत रिस्की है। हो सकता है वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और नहीं हो पाया। जब उसको वक्त मिलेगा वो आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। आई होप कि तुम्हारी ये बात सही हो। लेट्स सी, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये बात तुम किसी को बताना मत। डोंट वरी सर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। देबू को भी नहीं। गुड, चलता हूँ मैं। हाँ क्या हुआ बेटा? कमिश्नर सर क्या कहेंगे? अब कुछ नहीं देबू, केस के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और हम इस केस में इतने उलझे हुए हम बोल नहीं पा रहे ना उन्हें कुछ। सच कह रही हो तुम। इस केस को हमें शुरू से गौर करके देखना होगा। हाँ देव, इस केस ने तो उलझा के रख दिया। चलो इस केस पे शुरू से नजर डालो। पहले हमें एक मरी हुई लड़की की लाश मिलती है। उस लाश से पता चलता है कि उस लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी किया। इस लड़की का चेहरे पे 3 सर्जरी हुआ है, नाक चीक और जबला के पास। और उसी लाश से हमें एक रिंग मिलती है। ये रिंग उसका पैर से मिला है। और उसके नाखून और बालों से डाई। और हाथ के नाखूनों और बालों से डाई के ट्रेसेस मिले। वो डाई नकली नोट छापने में इस्तेमाल। बट ये जो डाई है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है नोट छापने में और स्टाम्प पेपर में, और इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी। और वही डाय हमें तपन तक ले जाता है और वो रिंग हमें कामिनी तक ले जाता है। तपन ने जो स्केच बनवाया वो स्केच हमें माधुरी तक ले जाता है। हमें यही पता चलता है कि कामिनी और माधुरी दोनों की शक्ल एक है, यानी कि दो औरतें लेकिन शक्ल एक जैसी। और डॉक्टर सुबेरी ने जो स्केच बनवाया वो स्केच माधुरी और कामिनी की शक्ल से मिली। बोलो कौन है?
अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, जो जली हुई लाश वो किसकी हमें अभी तक नहीं पता। मुझे पूरा यकीन है ये राज माधुरी के अड्डे पर खुलेगा। देवू, मुझे नहीं लगता हमें तपन की बातों पे विश्वास करना चाहिए। पहले हमें चेक करना चाहिए कि जो एड्रेस तपन ने दिया है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, क्या पता ये तपन की कोई चाल हो। और मैंने भी इस काम के लिए एक आदमी को रखा है, देखते क्या होता है। हेलो, हाँ बोलो। पक्का? ठीक है देवू, कंफर्म हो गया, तपन ने जो एड्रेस दिया है वो बिल्कुल सही है। अब चल के देखते हैं ये कामिनी मैडम का अड्डा कहाँ है।